हाल ही में पुलिस ने पुणे के कई एरियाज में कई प्रॉपर्टीज पर रेड डाली। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड अभी महाराष्ट्र में नवाब मलिक के अंडर में है। तो अब क्या समझा जाए, नवाब मलिक के खिलाफ ये शुरुआती एक्शन है? कुछ दिन पहले पुणे वक्फ बोर्ड के जमीन घोटाले में पुणे पुलिस ने दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अब इस केस को ईडी ने अपने अंडर में ले लिया है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि औरंगाबाद से वक्फ बोर्ड की ऑफिस मुंबई में शिफ्ट की जाएगी। अब ईडी का एक्शन ऐसे समय में हुआ जब नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस में वाक युद्ध चल रहा है। ईडी का एक्शन भले ही अलग हो पर पॉलिटिशियंस तो इसके तार को इधर से उधर जोड़ेंगे ही। नवाब मलिक को झटका लगेगा और फिर इस नवाब मलिक को कुछ न कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मिल गया है। देखते हैं, शायद ये शुरुआती एक्शन ही हो। धीरे धीरे नॉट को और भी टाइट किया जाएगा। 7 लोकेशंस पर छापेमारी जारी है और ऐसी भी न्यूज आ रही है कि अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट नवाब मलिक के समधी जी के यहाँ भी रेड पड़ी है। कांग्रेस और शिवसेना नेताओं के शुगर फैक्ट्री और बैंक पर भी छापे पड़े हैं, पर सिर्फ संपत्ति जब्त करती है ईडी। आगे क्या, नेताओं को जेल क्यों नहीं होती? सब के सब बच के निकल लेते हैं।